अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, मैं हूँ असगर अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास कंप्यूटर चैनल। आज मेरे पास एक डेल का लैपटॉप है, इसकी हमने रैम चेंज करनी है, तो किस तरह करेंगे? ये मेरे पास डेल का लैपटॉप है, इसका मॉडल है इंस्पायरन, N5050 इसका मॉडल है। तो इसकी रैम हमने चेंज करनी है, तो किस तरह करेंगे? तो आप देख सकते हैं कि इसकी बैक साइड पे कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, जो रैम का या इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ यहाँ पे। तो इसका जो है ना कीबोर्ड की बैक साइड पे जो है वो रैम लगी हुई है। तो सबसे पहले हमने इसका कीबोर्ड रिमूव करना है। कीबोर्ड रिमूव करने के लिए यहाँ पे देखें, ये पिनें दी हुई हैं यहाँ पे, ये 3-4 पॉइंट हैं, इनको हमने बैक पे करना है। उसके बाद पहले हमने कीबोर्ड को रिमूव करना है। कीबोर्ड की बैक साइड पे, लैपटॉप की बैक साइड पे कोई इस तरह का स्क्रू भी नहीं लगा हुआ जिससे कीबोर्ड को यानी कि वो किया जाए। कीबोर्ड जो है ना सिर्फ ये पिन्ने लगी हुई हैं, इन से जुड़ा हुआ है, ये जो लॉक है ना छोटे से, ये इन्हीं से जो है ना कीबोर्ड लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये कीबोर्ड है और यहाँ पे देखें ये रैमें लगी हुई हैं। आप जो है इजी तरीका है इसका, कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ से आप रैम निकालें और दूसरी रैम लगा दें। ये दोनों स्लाटें जो हैं एक ही जगह पे लगी हुई हैं, रैमों की दो स्लाटें हैं, तो आप इस तरह आसानी से इसको जो है ना चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बनी बेल घंटी को दबा दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।